प्रॉब्लम डिटेक्टेड यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिंग दिखाता है और यहाँ पे आप लोग ओके में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ओटीपी यहाँ पे रिसीव ही नहीं होता है। और आप लोग यहाँ पे रिसेंट ओटीपी करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा टाइम दिखाता है। यहाँ पे देखते हैं 24 आवर का यहाँ पे टाइम दिखा रहा है और यहाँ पे कॉल भी करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं 57 मिनट का यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को भी कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, 2 घंटा 4 घंटा कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइम दिखा रहा है और आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आसानी से आपका जो ओटीपी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या वो ट्रिक है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको चेक कर लेना है अपना, और अगर आपका ओटीपी आ जाता है तो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका नहीं आता है तब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग 3 डॉट में क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आ रहा है। हेल्प में क्लिक करने से पहले इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद यहाँ पे हेल्प में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे वर्किंग आ चुका है कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे प्रॉब्लम डिटेक्टेड यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो स्क्रीनशॉट आप लोग लिए उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिए इसको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करते हैं और जो हम लोग स्क्रीनशॉट लिए थे यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्या आपको ध्यान से लिखना है, चलिए हम आपको वो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं हम आपको, ये आपको मिलेगा कहाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। जैसे आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको योर नेम में हटा देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है जैसे आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे हम आपको वो दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कंट्री कोड लगाना है +91 जो भी आपका कंट्री कोड है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सर्चिंग दिखाएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से आपको इसी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, जीमेल का ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और जैसे आप लोग जीमेल का ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को मिला लेना है। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर को मिला लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको इस ईमेल को भेज देना है। जैसे आप लोग इस ईमेल को भेज दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है वो हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल जो हम बताए आपको लिख के भेजना है तो वो मिलेगा कहाँ, तो टेलीग्राम आपको सर्च करना है और जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टेक टू टेक सर्च करना है या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो मैसेज यहीं पे मिलेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे मैसेज है, तो अभी मैसेज डाले नहीं है, ये मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लिंक में क्लिक करने के बाद इसी चैनल में आ जाइएगा तो आसानी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी चैनल से आप लोग आसानी से उस मैसेज को कॉपी करके आप लोग आसानी से भेज सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका आपको क्या करना है, देखिए क्रोम में आपको चले जाना है। जैसे आप लोग क्रोम में चले जाइएगा यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सअप सपोर्ट। जैसे आप लोग व्हाट्सअप सपोर्ट सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट व्हाट्सअप में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए व्हाट्सअप मैसेंजर सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग कॉन्टैक्ट अस में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो भी मोबाइल नंबर आपका है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे दोनों जगह डाल देना है, सेम ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आप लोग व्हाट्सअप कहाँ चलाते हैं, एंड्रॉइड फोन है या आईफोन है, जो भी है, वेब है या डेस्कटॉप है, जो भी है आपका वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो मैसेज यहाँ पे हम आपको दिखाए थे मैसेज लिखना है, वो मैसेज को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, फिर से यहाँ पे आपको योर नेम को हटा देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है दीपक, जो भी आपका नाम है वो आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद अपना जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी लिख देना है अपना कंट्री कोड के साथ। ठीक है, जैसे आप लोग कंट्री कोड के साथ यहाँ पे नंबर लिख दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है, आसानी से आपको ये फॉर्म को भेज देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये दो तरीका है जिससे आसानी से आप लोग ओटीपी को मंगा सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे डोंट रिसीव कोड में क्लिक करके यहाँ पे वेट कर सकते हैं और वेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रिसेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और आसानी से आप लोग यहाँ पे रिसेंट करने के बाद ओटीपी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया, जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए।